उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों की समिति ने होम बायर्स की समस्याओं को सुनने के बाद खरीदारों को बड़ी राहत दी। यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना, सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री सुरेश राणा ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 200 होम बायर्स की समस्याओं को सुना गया और इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें आम्रपाली और जेपी बिल्डर के खिलाफ मिली। समिति ने बताया कि ग्राहकों के हक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिल्डरों के साथ मीटिंग की और वादे के मुताबिक आम्रपाली 2 साल में सभी खरीदारों को फ्लैट दे देगा। कम्प्लीशन नहीं होने तक ग्राहकों को बिल्डर को अब कोई पैसा नहीं देना होगा। साथ ही जेपी हर महीने 600 फ्लैट की पोजेशन देगा और ऐसा नहीं करने पर दोनों बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम्रपाली जेपी 2-3 समूहों की आई, फिर रात भर बैठ करके उनके साथ बातचीत हुई और बातचीत करके रास्ता निकाला गया कि आम्रपाली के साथ को डेवलपर काम करेंगे और को डेवलपर काम करके कोशिश करेंगे कि बहुत तेजी से हमारा काम शुरू हो जाए, जो औपचारिकताएं हमें पूरी होकर के, और जल्द ही रास्ता प्रशस्त होगा, जिनके घर हैं उनको घर मिलेंगे। और जेपी के साथ भी बैठ करके बातचीत हुई है, नवंबर माह से 600 मकान पर माह डिलीवर होंगे, ऐसे करके लगभग 1.5 साल का उन्होंने भी अपना एक टाइम दिया है। समिति ने ग्राहकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सीएम योगी खुद इस मामले को देख रहे हैं और सरकार होम बायर्स के साथ अन्याय नहीं होने देगी। समिति ने बताया कि बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा कर सकें इसके लिए सरकार की ओर से कानूनी मदद दी जाएगी और को डेवलपर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बिल्डरों की मदद करेंगे। खरीदारों को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ ईमानदारी से खड़े हैं और उनके हित के बारे में सोचें। बिजली कनेक्शन काटने को लेकर कहा गया कि भविष्य में फ्लैट मालिक को अलग से बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, साथ ही बिल भुगतान करने वाले फ्लैट मालिकों का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। हालांकि समिति का कहना है कि 14 और 15 सितंबर को एक बार फिर नोएडा आएंगे और बाकी छोटे बिल्डरों और जो दिक्कतें सामने आ रही है उनको सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे। रियल्टी मीडिया ब्यूरो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।